सिंधु हुकूमत एक सियासी पार्टी की फरमाइश से कराची में वरन का ड्यूटी कदड़ मुख्तलिफ इलाकन के ट्रैफिक पुलिस अहलकार के सूबाई राजधानी में जबरदस्ती निकाल दई छी। केतरन अहलकार के डीआईजी ऑफिस में गडजानी बहाने घुराए जबरदस्ती गाड़ियों में विहारे पांजन जिलों डां मोकलो वो। सूबाई घरू वजीर ज़ियाल हसन लंजार एक सियासी पार्टी में इजलास का अहलकार के जबरी तौर कराची में निकाली दियण वो सिलसिलो तेज थी। डीआईजी ऑफिस पतल अहलकार वार्स परेशान अहलकार चवण है तो बार बार दरख्वास्त डी तो कराची में न कढ़ वे उन बावजूद खेन जबरदस्ती गोठन डां मोकलो पे वे। बिल्कुल ऐसो ट्रैफिक पुलिस के अहलकार में इन वक्त जो अफसोस जो दुख जो इजहार कर पे वे तो असा जबरदस्ती जिबरी तौर से सालन का इतने रहा हुआ हाँ वापस जो रेंज में मोकले पे असार इतने पढ़ी रहा है असा घर जो इतने वरतल पर जो बार बार दरख्वास्त बावजूद असा के कराची को निकाल दिनी पे उन घर घर में भी वादे कहना तो इन टाइम असन के मुख्तलिफ जिलों के पुलिस अहलकार के जिबरी तौर से कराची में निकाल दियण वाले सिलसिलो तमाम घो तेज थी वो है। सवे अहलकार के जिबरी वापस के पे वे जैसे एक सियासी पार्टी के मुलाकात बाद जो घर वजीर से मुलाकात कई उन सिलसिलो शुरू थी वो है। ड्यूटी कर अहलकार के जिबरी तौर से जिलों उमड़ पे जिलों न वींदड़ पुलिस अहलकार के डीआईजी ट्रैफिक पुलिस की ऑफिस में घुराए वो उन सभी के एक गाड़ी में बंद कर 150 का पुलिस अहलकार के जो शिकारपुर सखर छड़े वो पर उन मोटरसाइकिल उनका घर वे पिण उतर जैसे बार उनका फैमिली जी वो पिण उनकी खबर न हुई तो वह इन वक्त कराची में निकली चुका है। अड़ी वेदन ट्रैफिक पुलिस वाले कई हुई उन गुड़ गुड इन वक्त सब सिंधी जे नौजवान ट्रैफिक पुलिस में भर्ती थे कराची में उनके जो गोठन वापसी करण जो हुक्म मिलो है उनका मायूस थी वह चवन पाया तो बार बार दरख्वास्त दिन तो कराची में न कटो वे उन बावजूद जबरदस्ती गोठन मोकले पे वे मुतासर जो पुलिस अहलकार ये पिण चुका है केतरा ही साल कराची में रहने बाद फैमिली के शिफ्ट कर बार स्कूल में दाखिला वी दिन हाँ वही बिना इतलाह की जोरी वापस गोठन मोकले पे वे जैसे मेंटली डिस्टर्ब थी। वो अपडेट।